हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई पॉइंट एकेडमी। सो गाइज, अगेन मैं आपके लिए एक न्यू सेट्स ऑफ इडियम्स का लेकर आई हूँ। पहले भी मैंने इस पे वीडियोज मैं दे रखी हूँ, आप उसको ज़रूर चेक करें। और अभी का जो इडियम्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे इडियम्स है जो एग्जाम्स में तो आते ही हैं, साथ में आप इनका यूज डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं, यानी कि आप स्पोकन फॉर्म में भी आप इसका यूज करते हैं। तो आप ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं है बल्कि सभी लोगों के लिए है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर ले, एक बार तो आप देख ही ले। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट इज इन फॉर पेनी इन फॉर पाउंड। इट्स वेरी नाइस इडियम, इन फॉर पेनी इन फॉर पाउंड। तो कोई इडियम्स क्या होता है ना, आप चाहे कितने भी अच्छे नॉलेज रखते हो आप इंग्लिश की, लेकिन ये इडियम्स हुए, फ्रेजेज हुए, अगर आप इनका मीनिंग नहीं जानते ना तो आपकी इंग्लिश किसी काम की नहीं है, और कहीं पर भी आपका इमेज खराब हो सकता है। इसलिए ऐसे ऐसे इडियोमेटिक फ्रेजेस पे हमें केयरफुल होनी चाहिए, ये हमें आनी ही चाहिए। क्या इन फॉर पेनी इन फॉर पाउंड, इट मीन्स डैट समवन इज इंटेंशनली इन्वेस्टिंग हिज टाइम और मनी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टास्क। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ, मतलब कोई व्यक्ति जो है ना आप जानबूझ करके अपने समय को, अपने पैसे को किसी एक पर्टिकुलर टास्क में, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, किसी अपने किसी भी चीज़ में वो जानबूझ करके वो इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन फॉर पेनी इन फॉर पाउंड। एग्जाम्पल, व्हेन एडलेड वाज बूमिंग, जिम वॉज इन फॉर पेनी एंड इन फॉर पाउंड, दैट्स हाउ मच डेडिकेटेड ही वॉज। सो नेक्स्ट वन, अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, मीन्स अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, इट मीन्स एन अपॉर्चुनिटी इन हैंड करेंटली इज बेटर देन अ प्रॉस्पेक्ट इन द फ्यूचर, बिकॉज टाइम नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में अगर है, कोई आपके हाथ में अगर कोई पहले से कोई अपॉर्चुनिटी है तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप फ्यूचर में आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को आप देख रहे हो कि फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर का तो जो होगा सो होगा, लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी है हमें उस पर हमें फोकस करनी चाहिए, उसको कैश करने की कोशिश करनी चाहिए। सो द एग्जाम्पल इज द डिटेक्टिव अप्रीहेंडेड 3 क्रिमिनल्स एंड सॉ another one running but did not chase him because she knew a bird in one hand is better than two in the bush, the best example here। okay, तो आप चाहे तो आप अपने एग्जाम्पल्स भी, मीनिंग मैं हिंदी में आपको समझा दे रही हूँ, तो आप खुद के एग्जाम्पल्स आप क्रिएट करें, क्योंकि ऐसे इडियम्स या फ्रेज या वोकैब को याद करने का तरीका ही यही होता है कि हम मीनिंग समझ लें और फिर उस पर हम सेंटेंस बनाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी बार आप रिपीटेडली जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो वर्ड, वो इडियम्स या फ्रेज या कोई भी वोकैब का कोई भी पार्ट हो, वो आपको अच्छे से याद होगा। सो द नेक्स्ट वन, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इट मीन्स अ पर्सन इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शंस टू हिज पेरेंट्स। कहते हैं ना कि वो तो बिल्कुल अपने बाप पे है, वो तो अपनी माँ पर है, मतलब आम भाषा में है वो अपने मम्मी पापा पे है, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। तो गांव में भी लोग बोलते हैं वो तो अपने बाप पर है, अपनी माँ पर है, या फिर तो ऐसे लोग मतलब नॉर्मली यूज करते रहते हैं, तो या फिर वो अपने बिल्कुल वो अपने बहन की तरह है, या वो तो बिल्कुल अपने भाई की तरह है। तो इस टाइप की सेंटेंसेस हम लोग मतलब नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग यूज करते रहते हैं। अ पर्सन सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शंस टू हिज पेरेंट्स, मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया, आप खुद ही आप अपने इस पर एग्जांपल बना लो। नेक्स्ट, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, ट्रीट पीपल द सेम वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, मतलब जैसे बिहेवियर जैसा बर्ताव आप पसंद करते हो वैसा ही बिहेवियर, वैसे ही बर्ताव, वैसे ही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी करो, है ना। तो हम लोग कहते हैं ना कि जैसा आप खुद के लिए चाहते हो ना वैसा ही आप दूसरों के लिए भी सोचा करो, जो आपको अच्छा लगता है वो दूसरों के लिए भी अच्छा होता है। तो ऐसे कई तरीके इसको बोलने के, ऐसे इडियम्स को। तो इसके एग्जाम्पल है, आई फेल्ट पीटर वॉज अ लिटिल कोल्ड टूडे टवर्ड्स दैट होमलेस मैन, He would do unto others as he would have them
डू अन टू हिम बिकॉज हु नोज अबाउट टाइम. तो यहाँ इसका मीनिंग है आई फेल्ट पीटर वॉज ए लिटिल कोल्ड. तो यहाँ कोल्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि ठंडा, यहाँ कोल्ड का मतलब है कि उसको जो होमलेस पर्सन था ना उसको उसके लिए उसने मतलब कोई काइंडनेस या कोई सिंपैथी उसने शो नहीं किया, बिल्कुल भी वो कोल्ड था. ठीक है, तो इस केस में इस मीनिंग में इस कोल्ड का यूज हुआ है, मतलब उसके लिए कुछ सिंपैथी नहीं थी उसके मन में. तो इसलिए कहते हैं ना कि जैसा आप अपने लिए जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ भी होगा, क्योंकि समय को कोई नहीं जानता. तो इसका ये एग्जाम्पल है. सो नेक्स्ट, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. ये तो खैर शायद आपने पहले भी सुना हो, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. इट मीन्स डोंट क्राई ओवर व्हाट हैज हैपेंड एज इट कैन नॉट बी फिक्स्ड. मतलब जो हो गया सो हो गया, भले ही चाहे कितने भी बुरा हो. और इस्पेशली बुरे चीज़ों के लिए ही यूज होता है, कुछ नेगेटिव जब हो जाए ना कि छोटा या बड़ा, तब भी हम इस idioms का यूज करते हैं कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. मतलब जो हो गया सो हो गया, जस्ट फॉरगेट दैट एंड गो अहेड विद योर अदर थिंग्स. सो इसका एग्जाम्पल है वॉल्टर फेल्ड हिज एग्जामिनेशन. वॉल्टर जो है अपने एग्जामिनेशन को में फेल हो गया, बट हिज डैड केम एंड सेड जस्ट वन थिंग, सन डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. बच्चे मतलब कि जो हो गया वो हो गया, उस पर आप मत सोचो. तो इन दिस वे आप ऐसे idioms को यूज करते हैं. अब जैसा ना ये डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, आप इसको डे टू डे लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं. हमेशा कई बार ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब हम इसका यूज करते हैं. तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो idioms है ना जो मैं दे रही हूँ आपको, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही यूजफुल नहीं है, बल्कि डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज उतना ही होता है. नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. इट मीन्स बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लीड टू गुड थिंग्स. ओके, सी यस्टरडे यू वाज सो मोरस एंड योर फोन वाज स्टोलन, बट लुक एट यू टुडे, यू गॉट अ प्रमोशन. इज इट राइटली सेड दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. मतलब कि हर बुरे चीज के बाद ना कुछ अच्छा होता है. ओके, सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. आप इसका यूज भी आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं. नेक्स्ट, बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी. मीन्स बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना. आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया है और आप बहुत मतलब खुश हो. आपने कोई एक अपने जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो आप उसको क्रैक कर लियो, आप अपने मनपसंद जॉब पा लियो, अपने मनपसंद आपने एक गर्लफ्रेंड पा लिया हो, या फिर कोई भी अदर काम आपने कर लिया हो, आप बहुत अंदर से खुश होते हैं. तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, बिसाइड योर सेल्फ विथ जॉय मीन्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी. एग्जाम्पल, आई कैन सी डैट यू आर बिसाइड योर सेल्फ विथ जॉय ऑन बींग सेलेक्टेड फॉर द जॉब, कंग्रेचुलेशंस. तो ऐसे आप ये जो है ना ये idiom है, ये आप किसी के लिए भी किसी को उसके मैरिज की बधाई दे रहे हो, किसी को जॉब की बधाई दे रहे हो, तो कभी भी जब हम बोलते हैं ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस थिंग, तो मतलब जब कोई बहुत खुश हो और तो आप उस पर आप इसको बोल सकते हो, बिसाइड योर सेल्फ इज जॉय के सो कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सेट्रा. तो आप ऐसे चीज़ों की जब आप ऐसे idioms का ऐसे phrases का ऐसे expressions का आई मीन जब आप यूज करते हैं तो लोगों के बीच आपका इमेज काफ़ी अच्छा होता है. एक वेल नोन इंग्लिश पर्सन, एक वेल नोन पर्सन के रूप में आप जाने जाएंगे. सो नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वेयर. फेयर एंड स्क्वेयर मीन्स बीइंग डायरेक्ट और फेयर, मीन्स मतलब सीधा साफ. कहते हैं सीधा और साफ साफ, कहें साफ साफ आप मतलब सीधा सीधा बोलो. तो ये मतलब घुमा फिरा करके नहीं, राउंड अबाउट वे में नहीं करना है मुझे, बट फेयर एंड स्क्वेयर मतलब कि टू टेल यू फेयर एंड स्क्वेयर, आई डिड एवरी थिंग डैट आई वॉज मेंट टू डू बट आई स्टिल फील अनफुलफिल्ड. ओके, मतलब कि अगर आपको मैं मतलब साफ साफ मैं बोलूँ, डायरेक्टली मैं बोलूँ, तो आप इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं फेयर एंड स्क्वेयर. या बिंग फेयर एंड स्क्वेयर भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि अगर मैं बिल्कुल मतलब डायरेक्टली मैं कुछ बताऊं आपको, या बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं, साफ साफ बताऊं, तो उस केस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं.
तो गाइज मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप जब इडियम्स पढ़ें तो उस पर खुद से सेंटेंस बनाएं, और सेंटेंस हिंदी में पहले बनाएं और फिर उस हिंदी सेंटेंस को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इस तरीके से आपका पकड़ बनेगा इडियम्स पे। सो नेक्स्ट, हैविंग एन एस अप द स्लीव, हैविंग एन एस अप द स्लीव मीन्स हैव एन एडवांटेज दैट इज करेंटली बींग विदहेल्ड फॉर फ्यूचर पर्पसेज। हैविंग एन एस अप द स्लीव इट मीन्स, इसका मतलब हैव एन एडवांटेज दैट इज करेंटली बींग विदहेल्ड फॉर फ्यूचर पर्पसेज। ओके, एग्जाम्पल, ब्रायन केप्ट क्वाइट एट द बोर्ड मीटिंग, हु न्यू ही हैड एन एस हिडन अप हिज स्लीव द होल टाइम। ओके, सो फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जो भी idioms देख रहे हैं आप इनको, इन पर सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस बनाएंगे बार बार तब आपको ये याद होगा और आपकी, आपके लिए यूजफुल साबित होगा। आप डे टू डे लाइफ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं या फिर अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एंड मैं लीव करूँ इसके पहले एक और बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्रमोट माई चैनल एंड सपोर्ट मी। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं जो भी मैटर्स दूँ वो आपके लिए यूजफुल हो, चाहे उसका एक भी क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन आए आपके आपके काम, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या है, हम सब ने देखा है, एक नंबर भी कम हो गया तो ख़त्म, पूरी रिजल्ट ख़राब हो जाता है। ओके, तो इसलिए ना किसी भी क्वेश्चन को आप छोटा ना समझें। जब भी आपके सामने कोई वीडियो आता है आप उसको ओपन करें, आप उसको एक नज़र देख ले, जरूर देखें, एक बार जरूर उसको सुन ले। हो सकता है एग्जाम में आपका वो आए और आपको एट द वेरी मोमेंट ये आंसर्स आपको याद आए, तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे वीडियोज को देखें और उसे यूज करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। एंड वन मोर थिंग, आई एम गोइंग टू अनाउंस वन मोर थिंग कि इन माय नेक्स्ट वीडियोज मैं आपको देने वाली हूँ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, कन्फ्यूजिंग वर्ड जो कि एसएससी के लिए होमोनिम्स के नाम से उन्हें एसएससी के अपने सिलेबस में उन्हें दे रखा है। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का सेट्स में अभी आपको मैं दूंगी, तो आप ट्यून रहे हमारी हर वीडियोज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।